हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है और मेरे साथ नदीम। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो की, और स्पेशली एक इंस्टाग्राम पर हमें रिक्वेस्ट इस वीडियो का ये ठीक है, इस पर रिएक्ट अब करते हैं। ऑसम रिएक्शंस ऑफ इंडियंस फॉर अ पाकिस्तान या सोशल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। मतलब आई थिंक इसका मैंने वो थंबनेल देख के उस पर लिखा हुआ था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार, अगर आपको भी प्यार है तो मुझे हग करें, मुझे गले लगाएं। ये तो बहुत अच्छा एक इसने वो लिखा है उस पे चार्ट पे, लेकिन अब देखते हैं लोगों का इस पे क्या रिएक्शन आया है। मतलब लोगों ने अगर उसको देखा है ऐसा खड़े हुए तो लोगों ने उसके साथ मतलब क्या बिहेव किया या कैसा उसका बर्ताव किया। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ओरिजिनल लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल आजाद लेखक प्रेजेंट। आई लव इंडिया लिखा हुआ है ना। अभी फिलहाल लोग देख के जा ही जा रहे हैं। लोग पढ़ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, और कोई ये देखे पिके भी ले रहे हैं। देखे के थोड़ा हैरान भी हो रहे हैं, है ना? हाँ ना, हैरान भी हो रहे हैं। ये क्या है, सही लिखा वो वही ना। अभी तक तो आया कोई नहीं है, फिलहाल देखे सारे जा ही जा रहे हैं। कोई आएगा? आएगा कोई ना, कोई क्यों? हाँ ये तो है, हजारों में से एक तो आएगा ना कोई, क्यों? बिल्कुल ये आया ना, मिला ऐसी ना देखे। वही ना, अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात। वही मैं कह रहा हूँ, हजारों में से तो कोई एक तो आएगा ना। पहले उसको भी देख। ये बुजुर्ग आए, अंकल आए हैं, क्या बात है यार, बच्ची आई है। हाँ जब आते हैं, आना शुरू होते हैं पापा, एक बार ही सारे आते हैं, सारे आते हैं। और ये यहाँ के नहीं थे, ये वाले ये देखे गाया फैमिली। हजारों में से कोई पापा, जहरी बात आते तो हैं भाई, आते हैं, लाजमी क्यों नहीं आते हैं। और जो भी देख देख के गुजर है फालतू का, किसी ने कोई इसको कुछ बोला नहीं है, बिल्कुल या कोई बात नहीं की, नहीं की, बस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस नहीं इंटरेस्ट जा रहे हैं, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है देख के आ रहे हैं, गले में आ जाएंगे अंकल जी मिले। जिस चीज से मोहब्बत होती है वो खुद आता है, सही का खेल के आ जाता है, वही ना चीज खेल के ले आती है, सही का। सच में क्या पता पाकिस्तानी हो, आई थिंक जो आया हुआ हो तो इनने कहा चलो सोशल एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इंडिया में, ऐसे भी हो सकता है। लोग अरे पहुंच क्या मिलता है, देखें अभी तो ढेर आ रहा है, लोग पूछ भी रहे हैं कि कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं उससे, साथ साथ लगे हुए हैं सलाम करके। ये अभी देखो कितना ढेर आ रहा है लोगों का, हर बंदा आ रहा है, जो भी करीब से गुजर रहा है लाजमी आ रहा है इसके पास।
क्या बात है, सेल्फी बनाएगा। हाँ ये भी साथ सेल्फी बनाएगा ना इसके। यार सेल्फी बन गई। I'm from Pakistan. I love India. पता नहीं क्या। Do you? Can you please hug me? तो ये इसका ये वीडियो था और यहाँ पे भी वीडियो खत्म भाई इसकी। और पापा जी शुरू में तो आया कोई नहीं है। बिल्कुल। ये भी बेचारा मुंह यूं निकाल के देख रहा है कि कोई एक बंदा आया तो मुझे मिले। एक डेढ़ मिनट तक, एक मिनट तक तो कोई आया नहीं है, लेकिन जब फिर उसके बाद आना शुरू हुए ना, सारे इकट्ठे आए, इकट्ठे आए, लाइन लगी। इंडिया का यही है ना भाई, जब एक बंदा वहां पे स्टेप ले लेता है ना, कदम उठाता है ना, पिछले जो होते हैं उसको देख के हजारों उसके पीछे वो स्टेप लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं वाक्य। एक बंदा अगर वो वहां पे आगे हो ना, वो छोटे बच्चे, एक लड़का था जवान सा, उसने आगे हक किया, फिर और लोगों ने देखा, आते गए, मिलते रहे। बच्चियां भी, दो लड़कियां भी आई हैं, उन्होंने भी किया। और भाई उसके बाद जो औरों ने भी किया, प्यार दिखाया अपना, कसम से यहाँ पे दिल बंदे का मेल्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बोल, ये प्यार है ना, अगर जिस किसी को प्यार होता है ना, वो खुद भागता जाता है। सही कहे, खुद भागे आता है अगले के पास। इसमें कोई शक नहीं यार। अब देखें, अब यूं बंदा पकड़ा हो भाई, उन्होंने मजे की बात, इंडियंस जो थे वहां पे जो गुजर रहे थे, उन्होंने भी फालतू बात नहीं की उसके सामने, मतलब देख रहे थे, पढ़ रहे थे और जा रहे थे, अगर इंटरेस्ट नहीं था तो। ये नहीं कि भाई देखा खड़े होके, अबे तू पाकिस्तान से है, अबे ये है तो वो है। हाँ? तो मतलब इस तरह खड़े हो सर, ये लिखा हुआ था आई लव इंडिया, नहीं उसने लिखा हुआ था आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बट आई लव इंडिया, कैन यू, मतलब डू यू, कैन यू प्लीज हग मी, इस तरह कुछ लिखा हुआ था, तो समथिंग इस तरह के लिखा था, मैंने सही पढ़ा नहीं लेकिन होगा इसी तरह का। तो मतलब के कोई फालतू ऐसी बात किसी ने नहीं की। बिल्कुल सही बात है, सब ने अपनी मोहब्बत का इजहार ही किया। बिल्कुल, मिलना चाहे उसे मिला, जिसने मिलना चाहे उसने मिला है उससे, और जिसने नहीं था वो जा ही जा रहे थे। मैं शुरू में यही कहा, मैंने कहा हजारों में से कोई एक तो आएगा ना, प्यार तो है, प्यार तो है ना भाई, प्यार को कोई कमी नहीं है, चुरा के नहीं लेके जा सकता, बिल्कुल प्यार में कमी नहीं है। हम वो दोनों कंट्रीज के आपस में बिछड़े हुए भाई लोग हैं, जिनमें प्यार भी बहुत और नफरत ही भी बहुत है। बस यार हमारी तो कोशिश यही है, अगर हम अपनी जगह होते हैं तो ये प्यार ही प्यार है। बिल्कुल, मतलब हम लोग प्यार बढ़ाए, एक दूसरे से प्यार बढ़े, बस हम तो यही चाहते हैं यार कि प्यार बढ़े। बिल्कुल, ये नफरतें दूर ही हो जाएं। कोई शक नहीं पापा जी। तो यार आप इस बताएं, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह की कोई वीडियो आपने सजेस्ट करनी हो तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।